subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में देश विदेश के फिल्म फेस्टिवल में अपना नाम बनाती दिखी है, वहीं शॉर्ट फिल्मों को खास तौर पर कई फिल्म फेस्टिवल में रिलीज होते देखा गया है। हाल ही में स्वरा भास्कर, सबाना आजमी और दिव्या दत्ता की शॉर्ट फिल्म शीर कोरमा को फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में क्वालिफाई करने के बाद फिल्म ने फ्रेम लाइन अवार्ड जीता था और इस फिल्म ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म और ऑडियंस अवार्ड अपने नाम किया है। इसी के साथ अब इस फिल्म को ऑस्ट्रेलिया में स्क्रीन किया जाएगा। फिल्म को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, वहां स्क्रीन किया जाएगा। इस फिल्म फेस्टिवल में हर साल भारतीय फिल्मों को रिलीज किया जाता है। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन अगस्त महीने में किया जा रहा है। 12 से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के सिनेमा घरों में फिल्में स्क्रीन होंगी, वहीं 15 से 30 अगस्त तक ऑनलाइन स्क्रीन किया जाएगा। हाल ही में फ्रेमलाइन अवार्ड की जीत की खुशी पर स्वरा भास्कर ने फिल्म के को स्टार का धन्यवाद किया था। वहीं अब ऑस्ट्रेलिया के फिल्म फेस्टिवल के लिए स्वरा एक्साइटेड दिखी हैं। अब देखना होगा कि फिल्म ऑस्ट्रेलिया के लिए फिल्म फेस्टिवल में कौन कौन से अवार्ड अपने नाम करेंगी। वो आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी दो महिलाओं के बीच प्रेम को दिखाती है। स्वरा भास्कर, दिव्या दत्ता और सबाना आजमी ने शॉर्ट फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। वहीं इस फिल्म की शूटिंग साल 2019 में ही शुरू कर दी गई थी। वहीं फिल्म को अब तक फिल्म फेस्टिवल में ही रिलीज किया गया है। फिलहाल यह फिल्म किसी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं है, पर उम्मीद है कि जल्द ही फिल्म दर्शकों को देखने को मिलेगी। बिग न्यूज 24x7 से संपदा झा।